हेलो हाय एवरीवन, एवरीवन, ये वेलकम मैंने बैक टू माय कभी चैनल। कल मेरा किया नाम था, प्रीति ये मेरे वारी। फ्रेंड थैंक यू ने फॉर भाई मुझे कमेंट्स। कल ही बात याद डियर, आया कि आपने कमेंट किया था पिज्जा कि आपका ऑफिस रिकॉर्ड एंड करने को कॉलेज कर जाने रहे के लिए हैं, मैसी हाई बन पफ तो चलिए के कर साथ लूंगी। बताइए। तो ये आज वही मेकअप वीडियो का मैं लुक था, बताने वाली फाइनल हूँ, लुक था, चैनल पे नए हो बहुत तो ही प्यारी सब्सक्राइब लग कर रही लो, थी। एंड सबको बहुत ज़्यादा मेकअप पसंद साथ में आया। लगे आपको बेल आइकन कैसा को लगा प्रेस कमेंट कर लीजिए बॉक्स में ताकि जरूर किसी तरीके की बताइएगा। न्यू न्यू वीडियो की और यहाँ अपडेट पे आप मैंने लोगों इनके से साथ मिस हो अपनी सेल्फी मिस ली ना है, हो। एंड जबकि शॉर्ट मैं वीडियो में इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट डाला करूँ है स्टाइल कि खरीदते हुए ट्रेंड ब्राइडल पर तो मेकअप उनको ही मैंने चले किया था, जाइएगा। तो एंड ये मेकअप मेकअप देखना है तो मुझे डाला कमेंट हुआ बॉक्स में बिफोर बताइए, मैं आफ्टर अपने सब ऊपर कुछ है खरीद के उसमें, आप देखूँ। देख लीजिए। अगर आपको मेकअप सीखना है एंड देखना है मेरे ऊपर तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट टाइम मैं मेकअप अपने ऊपर करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए ज्यादा बातें न करते हुए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पफ के साथ बनाना है, तो अगर आप बैगिनर्स हो तो आप एक बार आर्टिफिशियल पफ आती है इस तरीके की मार्केट में, वो ले लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल भी पफ बना सकते हो, एंड क्लिप्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे आपको। तो इस तरीके से लेंगे एंड इस तरीके से ये जो आईब्रो का लास्ट पॉइंट है वहां से हेयर को इस तरीके से लेंगे दोनों साइड से। अगर आपके पास ये पफ है तो ठीक है, नहीं है तो आप इस तरीके से हल्का सा ट्विस्ट करेंगे एंड आगे की तरफ पुल करके नेचुरल पफ इस तरीके से बना सकते हो। और इसको लगा दोगे तो आपका हेयर बिल्कुल भी नहीं खींचेगा। तो इसको मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है एंड हेयर को ऊपर की तरफ से ले जाएंगे। और ये कुछ भी नहीं करना है, आपका पफ ऑटोमेटिकली बन गया। बस साइड से हेयर को उठाएंगे एंड क्लिप्स लगा देंगे बस। इस तरीके से क्लिप्स लगा देंगे यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, सारे बालों को एक अच्छे से कॉम करना है। हाई पोनीटेल एक बनाएंगे। बिल्कुल हाई एक पोनीटेल बना लेंगे। ऑफिस गोइंग गोइंग गर्ल्स हैं या फिर कॉलेज जाती हैं तो हाई ज्यादा अच्छा लगेगा आपके ड्रेस के साथ। तो ये वाला पफ जो है वो आप ले लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही सस्ता मिल जाता है एंड आपका जो हेयर स्टाइल है उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए अच्छा रहेगा। अब आपके अगर बेबी हेयर्स हैं तो आप क्या करोगे, इस तरीके की कॉम ले लोगे, सेटिंग स्प्रे दीजिएगा। और ये सेटिंग स्प्रे है, इसको कॉम पे इस तरीके से लगाएंगे। देन जो बैक से हमारे बेबी हेयर्स होते हैं ये भी हमारे लुक को खराब करते हैं, तो आप इस तरीके से पहले कॉम कर लोगे बैक से। ओके, तो आपके बैक के हेयर मैनेज हो गए। अब हमारे दोनों साइड में अक्सर बेबी हेयर्स आ जाते हैं तो उसके लिए भी सेटिंग स्प्रे को कॉम पे लेंगे। और इस तरीके से ऑफिस और कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं तो प्रोफेशनल लुक चाहिए, तो उसके लिए आपके हेयर बेबी हेयर्स वगैरह नहीं दिखने चाहिए, बिल्कुल प्रोफेशनल लुक चाहिए। तो इसके लिए आप इस तरीके से बेबी हेयर्स को पहले हाइड कर दीजिए। अब बारी आती है बन बनाने की। तो फ्रंट से डियर मैसी लुक, आपने मैसी हाई बन पूछा था, बट फ्रंट एंड बैक से आपको ऐसा ही लुक रखना है अगर आप कॉलेज एंड ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं तो, ज्यादा बेबी हेयर्स वगैरह ना दिखे। अब आपको मैसी बन बनाना है और आपके बाल छोटे हैं मेरी तरह तो आप डोनट ले सकते हो। डोनट को इस तरीके से लगा दीजिए एंड ये अपनी जगह से ना हिले इसके लिए आप यूपिन ट्राई कर सकते हो, लगाना ही है यूपिन, ट्राई क्या करना, लगा लीजिएगा। ओके, अब सारे हेयर को इस तरीके से फैला दोगे डोनट बन पे। अब आपको थोड़ा थोड़ा सा हेयर लेना है एंड ट्विस्ट करते जाना है। ट्विस्ट करते टाइम आपको एक यूपिन जो आपने फर्स्ट लेयर लिया है उसको इस तरीके से रखना है एंड डोनट बन के साथ लगा देना है। और इस तरीके से ट्विस्ट करते जाना है।
वाह, इस तरीके से ट्विस्ट करके पूरा बैक तक हेयर को, लास्ट हेयर को लेके जाएंगे एंड यू पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। इस तरीके से यूपिन्स लगा देंगे और आपका ऑफिस जाने के लिए बन बन के रेडी हो जाएगा। एंड जो बेबी हेयर्स अगेन आ रही है उनको आप मैनेज कर लीजिएगा। तो डियर, आई होप कि आज का हेयर स्टाइल जो है वो आपको पसंद आया हो एंड आपके ऑफिस जाने के लिए काफ़ी अच्छा हो। मैंने पिन निकाल दी थी जिससे कि पफ मेरा नेचुरल सा दिख रहा है और नेचुरल पफ के साथ ही आपका ये लुक काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो कैसा लग रहा है आपको ये हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आया हो एंड जो मेकअप लुक है वो मैं वीडियो के एंड में डाल दे रही हूँ ताकि आपको और भी इजी हो कौन सा लुक मैं आपको कह रही थी। अगर आपको पफ थोड़ा सा फ्लैट लग रहा है तो आप इस तरीके से हल्का हल्का बालों को खींच सकते हो एंड अपने पफ को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड खूबसूरत सा दिखा सकते हो। और जितनी यूपिंस लगानी है आप लगा लीजिएगा अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, और ताकि आपका हेयर स्टाइल जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, बिगड़े नहीं इसके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी कोई डिमांड है आपकी हेयर स्टाइल से रिलेटेड एंड मेकअप से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लेकर जरूर आऊंगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। का हो बोला, फोटो खींचा था।